यूट्यूब के चैनल से सभी का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि बंगलुरु की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। तो शिक्षा जगत संबंधित कोई भी खबर आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे में देखिए एक अच्छी और बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, मेरिट लिस्ट आने का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पे जो प्रक्रिया चल रही थी भर्ती की उसका देखिए मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, एक नोटिस दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा है जनपद पिथौरागढ़ के प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक ग्रेड थ्री वेतन 35,400 से लेके 112,400 लेवल दे सकते हैं 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 में आवेदन लिखा है में निहित प्रावधानों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों से इस कार्यालय के पत्रांक बेसिक दे सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे दिनांक 5/3/2019 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि जो प्रारंभिक शिक्षकों का की भर्ती की प्रक्रिया जो उत्तराखंड में चल रही थी उसकी पंचम संशोधन के बाद जो 5/3/2019 को आवेदन पत्र लिए गए थे उसके लिए लिखे कार्यक्रम से प्राप्त आवेदन पत्रों की सापेक्ष पात्रता सूची उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट schooleducation.ukgovernment.in पर जारी कर दी गई है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेते हैं, दिखाता हूँ आपको। और आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा, और देखिए लिखा है और यूके गवर्नमेंट संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पात्र जो लोग भी इसमें पात्र हैं जिन्होंने भी पात्रता के आधार पर देखिए दिया था, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट जो है दी गई है 15/1/2021 तक अपना प्रत्यावेदन सौंप सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को आपत्ति लगानी है तो वो भी लगा सकता है। और देखिए इसमें लिखा है कि स्कूल एजुकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें .uk.government.in पर देखिए उपलब्ध संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पात्रता सूची का अवलोकन कर लें यदि किसी को अपने अंकित विवरण में कोई भी देखिए कहा गया आपत्ति हो तो तब संबंध में दिनांक 15/1/2021 तक अपना प्रत्यावेदन दे दें। और देखिए लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराएं। तो देखिए लिखा है डेट डाली गई है और ये जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है कहा गया कि नियमावली 2018 के तहत जो है ये प्रक्रिया जो है संपन्न हुई थी। तो मेरिट लिस्ट के लिए ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसमें डेट दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ 15 तक की डेट भी दी गई है और इसके आधार पे आप जो है वो मेरिट लिस्ट अपना चेक कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर आए और अपनी राय जरूर दें, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा तो जूम आओ कम करके हम देखते हैं क्या क्या बातें इसमें दी गई है। जैसे हमने इसमें जूम थोड़ा सा कम किया है मैंने, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। और इसकी वेबसाइट को देखने के लिए देखिए आपको जाना है schooleducation.ukgovernment.in पे जाना है और यहाँ से आपको इसको देख लेना है, ठीक है। और देखिए ये जो पेज है ये इस तरीके से खुल जाएगा, तो ये पीडीएफ में है, आप इसको पेज को खोल के और यहाँ से देखिए देखिए डेट पड़ा हुआ है जिसके अभ्यर्थी भी अभ्यर्थी है, देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्मेट नहीं खुल रहा है तो इस फॉर्मेट को आप जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 15/1/2021 तक अपना प्रत्यावेदन करा जिला शिक्षा पदाधिकारी पिथौरागढ़ को उपलब्ध करा दें, निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि भाई एक बड़ी अपडेट है, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी परीक्षा दी थी उनके लिए एक अच्छी खबर है। और ये देखिए देख सकते हैं जनपद पिथौरागढ़ के प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान 35,400 देख सकते हैं लेवल, आप देख सकते हैं क्या है राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में
सेवा नियमावली 2018 में निहित प्रावधानों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों से इस कार्यालय के पत्रांक बेसिक 13/4/2008, 9/5/3/2019 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तदनुसार कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष पत्ता सूची उत्तराखंड विद्यालय चयन वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in पे दिया जाएगा। देख सकते हैं कि वीडियो अपडेट है, पर खबर में जुड़े रहिए और अपना आप एक बार जरूर चेक करें मेरिट लिस्ट। अगर आपका नाम आया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स पे बताइए। और देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 15/1/2021 तक जो है अपना प्रत्यावेदन भी आपको देना है। तो वीडियो अपडेट वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।